ओके डन। हेलो, कौन हो? विवेक। यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों यहाँ नहीं आ सकता क्या मैं? कोई काम है तो बोलो, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने आपका टाइम कब वेस्ट किया आप बताइए मुझे। तो झक मराने आए हो यहाँ पर? क्यों, कोर्ट में कोई आ नहीं सकता क्या? आपकी तो है नहीं ना ये कोर्ट। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, कोई काम है तो बोलो। नहीं काम तो कुछ भी नहीं है हमें आपसे। तो ठीक है, आप भी खड़ी हैं, मैं भी खड़ा हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे मैंने आपका टाइम कहाँ वेस्ट किया? आपको जो करना आप करिए, आपको यहाँ नहीं करना आगे कर लीजिए आप। मैं तुमसे हाय बोलने आई थी, तुम आए हो ना मेरे पास? मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, तो तू करके बात ना करें। ठीक है विवेक, और आप बताना जरूरी है? जरूरी हो तो बता दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। प्रीति तलवार। आप अच्छी लग रही हैं तलवार जी। शुक्रिया। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो और यहाँ कोर्ट में क्या कर रहे हो? तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ले लीजिए ना एक्शन, अगर मैंने कोई क्राइम किया हो तो। भाई क्राइम तो मैंने किया नहीं है, किसी लड़की से बात करना अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गलत बात है तो आप बताओ मुझे। मैंने ये तो नहीं बोला कि लड़की से बात करना गलत है। तो ठीक है फिर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कर रहे हो? मैंने तुमसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो तारीफ करना कोई गलत बात है क्या? मैंने ये नहीं बोला कि गलत बात। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में थैंक यू बोलना बुरी बात लिखी गई है, तो बताओ नहीं बोले कल से छोड़ देते हैं फिर। नहीं। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? आप पर्सनल क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं मुझसे? आई एम अ लॉयर। ओके, क्या लॉयर से पर्सनल बातें नहीं हो सकती हैं? बट अननोन पर्सन से नहीं हो सकती हैं। तो जानने वाला बना लीजिए। तुम्हें पता भी है मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो नहीं लगता आप कुछ कर सकती हैं, और डरते तो हम हैं नहीं तिवारी जी। आप किसी से भी जाकर ना कोर्ट में मेरे बारे में पूछ लीजिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं कौन। ऐसे पंगा लेना तुम्हें? अरे मैंने कोई क्राइम थोड़ी किया है, अगर किसी लड़की को बात करना क्राइम है तो फिर कोई बात नहीं है, जो है वो देख लेंगे। इस कोर्ट में तो बहुत सारे क्रिमिनल लॉयर हैं, हम भी खड़ा कर देंगे अगर यही है तो। प्यार से बोल रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। अब दूसरे भाषा में बात करो तब मजा आएगा, प्यार वाली भाषा हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि मैंने कोई गलत बात तो आपसे की नहीं है। मुझसे पंगे लेने मजा आ रहा है? मैंने कहाँ कुछ लिया है मजा, आप गलत बात बोल रही है ना। मैंने ऐसी कौन सी आपको बात बोली जो गलत बात थी? अगर आपको मेरे साथ यहाँ खड़े होने में प्रॉब्लम है आप उधर चले जाओ। तुम मेरे पास आए हो, मैं नॉर्मली यहाँ पर खड़े होकर बात कर ही रही थी ना। विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? व्हाई? अच्छी लग रही हैं आप, लॉयर हैं आपने बताया, क्रिमिनल लॉयर हैं। जानती भी नहीं। जान पहचान का क्या है, वो हो जाएगी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो इंटरेस्ट तो हमारा भी नहीं था, बट आपने बोला तो मुझे पसंद आया तो मैंने हाँ बोल दिया। शराफत का ना नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करो तुम। मैंने ऐसा कोई नाजायज फायदा उठाया ही नहीं, आप गलत बोल रहे हो। एक मिनट लगेगा। शराफत क्या होता है मुझे वही बता दीजिए आप फिर। एक मिनट लगेगा तुम्हें अंदर करवाने में, समझ आई ना? कोई बात नहीं है, 30 से कोई बात नहीं, 60 सेकंड होते हैं, आप देख लो जो कर सकती हैं आप। सही बोला, मतलब एक लड़का एक लड़की को ये नहीं बोल सकता क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या किसी को आप अप्रोच नहीं कर सकते हो? ये क्राइम तो नहीं है, देखो इतना तो मुझे पता है ये क्राइम नहीं है, पर मेरा टाइम वेस्ट करना बहुत भारी पड़ सकता है तुम पर। अरे यार भारी पड़ सकता है बहुत देर से आप यही बोल रहे हो, जो हो सकता है वही कर लीजिए आप, जो हो सकता है वो करिए ना आप। सिर्फ एक कॉल करूंगी और तू जेल के अंदर होगा, समझ आई ना? जेल से ना डराइए हमको, हम डरते नहीं है, समझ रहे हैं ना? अच्छे अच्छे जाकर डर जाते हैं, बट हम नहीं डरते ना, हम अच्छे से थोड़ा हंस-हंस के बातें कर रहे हो ना, वहाँ पर अच्छे से डंडे की जब धार पड़ती है, मतलब शरीफ इंसान जब बेमान हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, तो ऐसा ना करिए कि हम थोड़े से टेढ़े हो जाएं। आपको पसंद है तो हाँ बोल दीजिए, अदरवाइज ना बोल दीजिए, नहीं तो बुलवाना हमको भी आता है। नहीं पसंद, नहीं पसंद है क्या करेंगे? अब आप आई लव यू बोलेंगी? क्यों बोलूंगी? आप बोलेंगी, मेरा मन कर रहा है। क्यों करेगा मेरा मन, ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। पुलिस सेक्शन लूंगी ना तो अच्छे से पता चल जाएगा, जेल में जाकर जो तुम बदतमीजी है ना वही निकल जाएगी तुम्हारी। देखिए डरते नहीं है हम आपसे, और ना ही आप हमें डरा पाएंगी, ये आप समझ लीजिए। मुहावरा हम आपको सिखाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, फिर आप बोलिएगा मुझे। ये व्हाट्सएप आपका है? मेरा व्हाट्सएप तुम्हारे फोन में? तुम्हारा ही है ना ये?
हैकर हो क्या? मैंने पूछा मेरा व्हाट्सएप तुम्हारे फोन में क्या कर? अब इतना इमोशनल क्यों हो रही है? मेरा फोन हैक कर रहे थे। मैं हैक नहीं, लेकिन अब इतना इमोशनल क्यों हो रही है? मैंने जो पूछा उसका आंसर दो। ये क्या है? मैं लॉयर हूँ। तो मैंने चैट निकाल कर फोन में। आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। अरे मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन आप इतना इमोशनल क्यों हो? इस चैट में ऐसा क्या है कि आप इमोशनल हो? इस चैट में कुछ भी नहीं है। तो फिर इतना इमोशनल क्यों हो? इसके कॉन्टेक्ट नंबर है और डिटेल्स हैं कि मेरे कैसे किया तुमने। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जाने दीजिए, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पूछ रही हूँ कैसे किया तुमने। वो आप नहीं समझ पाएंगे। कौन हो तुम? मेरे बॉयफ्रेंड है। कि आपने, लेकिन आप इतना इमोशनल क्यों हैं? मैं जो आपसे पूछ रही हूँ उसको जवाब तो दीजिए। हटा दूंगा, इसको हटाना बड़ी चीज नहीं, मैं तुरंत अभी इसको हटा देता हूँ। पता चल गया आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं, पर आप वो कौन? मैं ये हटा दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है आपको? देखो मेरी लाइफ में पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन प्रॉब्लम्स की वजह से वैसे ही इतना परेशान हूँ। विवेक, आप हमारे वजह से तो परेशान नहीं है। लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो रीजन नहीं हूँ ना। आप नहीं है, बट क्या हुआ है बताओ ना। एक लॉयर होना उतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर आप नहीं समझ पाए। मेरी कोई हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ। मैं किसी का फ़ोन हैक नहीं करूँगा, बट बाकी मैं कोई भी काम कर दूँगा। वहाँ पर देखिए आप, कैमरा लगा है, सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ ना लोगों को पता चलना चाहिए। मैंने आपके व्हाट्सएप पे जो देखा वो सही है, जो पहुँच रहा हूँ वो सही है? सही है गाइज। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि एक लॉयर बनना इतना आसान नहीं होता। मैं आपको दिखा नहीं सकता कि इनके व्हाट्सएप पे क्या है, लेकिन देख करके मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो। अगर वो सच्चाई है तो वीडियो को मैं चाहता हूँ यार कि मैं YouTube पे अपलोड करूँ और लोग इसे देखें। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? कि कोई गर्लफ्रेंड है?